सतरश तीस ख्रीष्टाब्द ढेंकानाळर काबरा ग्राम रे जन्म हेले ओडिशा साहित्यकाशर जणे असामान्य प्रतिभा संपन्न पुरुष कवि ब्रजनाथ बड़जेना। रीति जुगर पद्य साहित्य सर्वस्व परंपरा मध्यरे सृष्टि हेला एक अनवद्य कथा साहित्य चतुर विनोद जहार काव्यिक वैचित्र्य और आदर्शर मूल्यबोध जुग जुग धरी समाज को दिग्दर्शन दे आसुथिम। चतुर विनोदर मूल रस श्रृंगार उपर आधारित होइथिले मध्य सेथिरे अन्य समस्त रसर अवतारणा करा जाई ताहाकु रस सर्वस्व करा जाई। कविंकर सेई महान सृष्टि को उपस्थापना समय रे आमे तार कहानी और चरित्र मानकु यथासंभव अपरिवर्तित रखिबार प्रयास करी केवल कहानीर मनस्तात्विक और व्यवहारिक दृष्टिकोण को सामाजिक मूल्यबोधर रूप दे आपण मानक सम्मुखरे तोळी धरिबार प्रयास करिछु मात्र। चतुर विनोद कथा एत चतुर विनोद कथा एत गुणी जनंकर कथा एत गुणी जनंकर
जन को बेगे चल डेरी हो जे। तू आगे चल एबे सिना मु जीबी हेले सब बेले कोन आगे रे थीबी देख आखी पूरे ही देखु छी देख सब दिने तोर एई कथा आजी किंतु अलगा मोरण कह कौन कहिबी मु तो देखी पागली हो छी आ सिए 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 पण की जहां को पई एते ओसा व्रत एठी आउ बसी हबनी एथर कुह बंधु पसंद हेला ना नाही ना मु चले जीवी जीवारे ओदी अछि बंधु ए प्राणटा को संगरे नै जा ओ प्राणटा को परे नेबी बंधु आगो मनो नै देखे मिसुचि कि नाही छोड़ छोड़ बंधु ओते शीघ्र कुह मो प्राण प्रिया को पाइबी कि परे प्राण प्रिया चित्रपट देखु देखु आ भितरे प्राण प्रिया हे गलेनी चुप रहला काहे कि बंधु ए सुंदर रूप को सचक्षरे देखिबा को चाहे एतक उपाय कर उपाय अछि इच्छा थिले उपाय बळे बळे आसे व्यस्त काहे कि भक्त पुत्र साजिति एत बळे से कथा मु बुझिबिनि सत कहछ बंधु इच्छा नहि बंधु सत कहछि गणिक मानक कथा दे छछि तम त जानि छ ताक कथा मु सब बुझु छि बंधु किंतु तमे चली गला परे पुनी एकुटिया 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 कोन बंधु चंचलाखी परि रूपर गुणर झियो पाई निजुक एकुटिया बाबू जा झियो जन्म तो पर घर आज मो घरे अछि काली आउ काहर को बाहा हे चली जिवो से एठो केते दिन मा रहिवो को करिया बंधु भाउ जेतिले तमे कोन ता कथा चिंता करन तो अच्छा चंचलाखी कोड़ गला कि सुरेखा नदी रे स्नान सारी ईश्वर दर्शन करी फेरिवो गौरी व्रत करूची तो आज तार शेष पाई सत्ते रूप गुण सांग को पुणी ईश्वर भक्ति बुझल बंधु आम जाजनगर लोक कहती गौरी पूजा जे करे से मन लाखी पात्र टे पाए गौरी पूजा केबे विफल जाए देखिबो आम चंचलाखी शंकर पर गोटे मोहन अंग पाइब हौ बंधु से शंकर करंतु तम तुंड सुतुंड हब निश्चय हब देखिबो निश्चय हब अरे मा तम दिन जग आस दिन पूजा तो सरी जाइए केवल राति उजागर रही जगर व्रत उद्यापन करने पड़ो कौन सी पुरुष अंग स्पर्श करनी कारण यहीटा हूँ गौरी व्रतर नियम मन में भाविले दोष ना मो खाली छुईले दोष रुह रुह छुईब ना छुईले बुढ़ावर मिले एमती भागी पड़े चलो ना
धैर्य धरिबाकु पडिबो ना आ कथा रे कहंतनी कष्ट कले कुष्ठ मिले राजकुमार रु त आसी भिकारी हेली हेले से कथा वादनी सखा खाली बाधुचि अपेक्षा करिबाटा ओ अपेक्षा करिवार फळटा सबु बेले मीठा सखा टिका सुनिबो ये होचंती राजकुमार मोहन आंग तम सखी चित्रपट देखी तांकु सोचक्षुरे देखियो बोली धाई आसछंती पूरा से तांकु विवाह करबा को चाहंती सुहागी चालो जिबा ओए सुहागी ओ अच्छा सुहागी तम बांधवी को पचारिलो तांको इच्छा को राजकुमार है अमदे को पई एते आग्रह काई तंकु तो केत्ते झियो मिलिबे सेमिति खोनी स्वागी तुम बांधवी को थोड़ा मो सखा को मन भितरे काहारी चित्रपट नाही खाली तंको मुहर थरुटिया कथा सुनिबे बोली एतहट धाई आछंती पुरा बाट मझटा ठिया हे कोन एक कथा सब हुए आउ तमे मो पुरा को आसुना हे तमो पुरा को माने देई को अंतपुरा को ताहले सुना जानिबा तंको विरति केत्ते देहटा को छाड़ी दे गले काहे कि बुझिलो ना सखा जो जिनिस हाथ पांतर दूर को चली जाए ताकु से तो पाखुर देखिवा को इच्छा हुए चलो आमे जीवा कुआडे पंतपुर को सब व्यवस्था मु करिबी अवस्था देखि व्यवस्था मु कर नथंदे एक दे सुनो मुदंको अंतपुर को आसीउ कहि देछि तू ए कोन कलु सखी जदे से सतर आसी जानती आसंतु असुविधा कोन अछि अंतपुर को आसी परले तांको प्रेमर गभीरता केते जणा पड़िवो आउ न आसी परिले बापा को पाखरु फेरि जिवे एया त जाने ए हार आपनकर निश्चय पसंद हो ना बणी को महोदय आपनको तयारी श्रेष्ठ रत्नहार मोर प्रयोजन श्रेष्ठ रत्नहार हां श्रेष्ठ रत्नहार जहां आपनकर श्रेष्ठ कृति हेइथिबो आ जो हार ए राज्य रे कहारी पाखे नथिबो सेई रत्नहार हमर दरकार ए ओ से रत्नहार तो बिक्री पे उद्दिष्ट न होए तथापि थरे आमे से हारो को देखिबा को चाहू असंभव कारण मोर प्रिय कन्या ताकु निज बक्षरे धारण करिछि क्षमा करिबे
ଲାଗେ ଦୁଇ ରତ୍ନ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ। ଆଜି ପୁଣି ତାର ଗୌରୀବ୍ରତର ଉଦ୍ଯାପନ ଦିବସ। ଏଭଳି ଶୁଭ ଦିନରେ ଅଙ୍ଗରୁ ଅଳଙ୍କାର ବାହାର କରିବା ନିଷେଧ। ଯଦି ରାଜା ଦେଶ ହୁଏ। ରାଜା ଦେଶ? ହଁ, ରାଜା ଦେଶ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ରାଜକୁମାର ମୋହନାଙ୍ଗ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ, ମୁଁ ମଣିମାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ମଣିମା, ଆସନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ହେଲେ ସେ ଆଉ କଣ ଆସିବେ? ବୁଝିଥିଲେ ତ ଯୁବରାଜ ମୋହନାଙ୍କ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମ ଚଞ୍ଚଳାଖି ବକ୍ଷ ଦେଶରେ ଥିବା ରତ୍ନହାର ସେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଯୁବରାଜ, ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ତେବେ ଆସୁଛି। ହେଲେ ତମ ସଖୀଙ୍କର ସମ୍ମତି ଅଛି ତ? ତମ ସଖୀ ଯଦି ଆମ ସଖାଙ୍କୁ କାଳେ ମାନେ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ମତି ଅସମ୍ମତିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କୋଉଠି? ସେମିତି କୁହନି ସୁହାଗୀ, ତାହା ହେଇଥିଲେ ମୋ ସଖା ଏଠିକି ଆସିନଥାନ୍ତେ। ସେ ତମ ସଖୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ମୋ ସଖୀ ଯଦି ରାଜି ନ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ସଖା ଆତ୍ମବଳି ଦେବେ। ତମ ସଖୀଙ୍କୁ ପୁରୁଷଘାତକ ଦୋଷ ଲାଗିବ, ତାଙ୍କ ବ୍ରତ ନଷ୍ଟ ହବ। ବ୍ରତ ସମେତ ହେଇଗଲାଣି, ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ସଖୀ ମୋର ସାରା ରାତି ଉଜାଗର ରହିବେ, ଆଖିରେ ପଲକ ନ ପଡ଼ିଲେ ଭଲ। ତେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗପ ଶୁଣି ରାତି ଉଜାଗରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଏତତ ଉତ୍ତମ କଥା, ତାହେଲେ ମନ୍ଦିର ଯିବା ହେଉ। ମନ୍ଦିରକୁ ପୁଣି ରାତିରେ? ମୁଁ ଜାଣେ ପରା ଏ ପିରତି ପଥ ଜମା ସଡ଼କ ନୁହଁ। ବ୍ରତ ଶେଷ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି ପୁରୁଷଙ୍ଗ ମୋ ଦେଇଙ୍କ ଠି ନ ବାଜେ। ହଁ, ଗୌରୀ ବ୍ରତ କଥାଟି ଜନମ ଜନମର ଡୋରି ବନ୍ଧା କଥା, ବ୍ରତ ଧାରଣରେ ପୁଣି ତ୍ରୁଟି ରହିବ ମୋ ସଖା? ଥାଉ ଥାଉ, କଦାପି ନୁହ କଦାପି ନୁହ। ମନରେ ପବିତ୍ରତା ଥିଲେ ସବୁ ଠିକ ହୁଏ ସଖା। କଥା ଦେଇଛି ଯେତେବେଳେ ହସ ରସ ନୀତି ପ୍ରୀତିର ଗପ କହି ଏମିତି ମଜେଇ ରଖିବି ଯେ ଆଖିରେ ପଲକ ଟିକେ ବି ପଡ଼ିବନି। ତମ ଦେଇଙ୍କର ସିନା ଗୌରୀ ବ୍ରତ, ତମର ତ ନୁହେଁ। ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି, ଆମେ ଯଦି ଏଇଠି, ତମର ଏତେ ଗୁଣ ଅଛି କହୁନ, ଏଇଠି ଅନେଇଲ ସେପଟୁ ହୁଁ ଟିଏ ହଉଥିଲେ ଗପ ସରିବ ଯାଇ କୁଆ କା କଲା ବେଳକୁ। ଆ ଶୁଣିଲ ତ ଦେଇ,
गप शुणुब मारुब कौन थर गप आरंभिक हौ गपटा को एमती कहले हेब केली तट नगर राजा सब बुद्धि देख सखा तमें जहा कह सह ये समस्त आगे कहले सीधा उवास को चली जी हाँ सत कह चली जीव जीवा को अवश्य मन कहूनी हेले करिरे कोन गप सुनिबो सुनो केली तट नगर राजा अंगधरंकर जेमिति थिला बुद्धि सेमिति थिला प्रजापालन कोन तांकरि पुण्य बल रे राज्य रे अनावृष्टि मरुडी लागि रहिथिबारु राजा राज्यसभा को महामंत्री को डकाइले आ महामंत्री राज्यसभा रे पहुंची Oh,